नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम जिस ध्यान विधि को आपके समक्ष लेकर के आए हैं वह है सूफी दरवेश नित्य ध्यान, यानी जो सूफी यानी फकीर लोग का दरवेश नृत्य होता है वो भी एक प्रकार का ध्यान है। यह एक प्राचीन सूफी विधि है जो हमें चैतन्य साक्षी केंद्रित करती है, यानी उस परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण करती है। इस विधि में शांत मधुर संगीत पूर्ण लयबद्ध और अपने आप को उस परमात्मा में खो देना जो परमात्मा इस जगत का मूल स्रोत है, यानी उस पार ब्रह्म में अपने आप को विलीन कर देना। कैसे? शांत चित मधुर संगीत और लयबद्धता के साथ। इसका नाम है सूफी दरवेश नित्य ध्यान। लंबे समय तक शरीर को गोल गोल घुमाने से जब शरीर में आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में घूमने लगती, आपके भीतर एक अचल चैतन्य का बोध स्पष्ट होने चलता है। इस प्रयोग के शुरू करने में 3 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार का आहार और पानी नहीं चाहिए। तो ये सूफी दरवेश ध्यान है। इसके अगर आप करना चाहते हो, यह वही लाभ देगा जो लाभ एक अच्छे साधक ध्यान में लेते हैं। इसमें शरीर की हरकत होती है, शरीर की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है, वाणी की शुद्धता होती है। तो इस ध्यान को करना कैसे, करने का क्या तरीका है, करने से पहले क्या सावधानी रखी जाए, तो उसको हम देखें। तो जैसे पहले बताया, इसमें भोजन 3 घंटे पहले नहीं करना। जब इसको करना है या तो सबसे पहले अच्छा है सुबह कर लीजिए, प्रातःकाल या सायंकाल। उससे पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं, ना पानी भी नहीं पीना है। शरीर को पर ढीले वस्त्र रखने, पैर में जूते चप्पल नहीं रहना चाहिए। इसके लिए समय का कोई बंधन तो ऐसे नहीं है, आप कभी भी कर सकते, लेकिन जब भी करिए तो 3 घंटा पहले कुछ खाना नहीं। यह केवल 2 चरणों का ध्यान है, आप 1 घंटे इसको कर सकते हैं। देखिए, 1 घंटे से कम कोई ध्यान का मतलब नहीं होता है। हमसे कई लोग पूछते कितना देर ध्यान करें। ठीक है, आपका समय कम है, आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कुछ ना कुछ से तो अच्छा है, लेकिन अगर आप अच्छा लाभ चाहते हो तो 1 घंटा कीजिए। नहीं तो मैं जब 1 घंटा बोलता हूं आप उसको कम कर लीजिए उस अनुसार से, लेकिन 1 घंटे चाहिए। पहला चरण, सबसे पहले किसी सुनसान जगह को अपना चुनना है। अपनी जगह पर बैठ जाए, आसन बिछा ले, जहां पर आपको घूमना है आंखें खुली रहे। अब दाहिना हाथ ऊपर उठा ले कंधे के बराबर ऊंचाई तक और उसकी हथेली आकाश की ओर खुली रखे। फिर बाएं हाथ को नीचे की तरफ झुका ले, हथेली जमीन की तरफ रखे। दाहिनी हथेली ऊर्जा आकाश से ली जाएगी, बाईं हथेली पृथ्वी पर लौटा दी जाएगी। इस मुद्रा में एंटी क्लॉक यानी दाएं से बाएं लट्टू जैसे घूमता, लट्टू देखा होगा आपने, लट्टू की तरह घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने में कठिनाई महसूस हो तो आपको क्लॉकवाइज भी यानी बाएं से दाएं घूमे। घूमते समय शरीर और हाथ ढीले हों, तने हुए ना हो। धीरे धीरे शुरू करो, गति लगातार बढ़ाते जाए। जब गति आपका पूरी न पकड़ ले तब तक आप धीरे धीरे गति बढ़ाते रहे। गति बढ़ाने के बाद चारों ओर की वस्तुएं पूरा दृश्य स्पष्ट होने लगेगा, तब आंखें में उसे पहचानना छोड़ दे। जब आप कुछ ना पहचान पाए, मतलब बिल्कुल सर घूमने लगेगा, अधिक स्पष्ट ना हो, सब जो वहां पर आपको जो चीजें दिख रही है वो सब एक गोलाकार दिखने लगे, जो भी आपके जहां आप कर रहे हो या तो अगर बाहर करो जो पेड़ पौधे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जैसे एक गोला बनाए। अगर घर में करो तो घर की सारी सामग्री गोले जैसे घूमने लगेगी। जब इस प्रकार से आप अनुभव करो तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी घटना को नाभि केंद्र के नीचे कि नीचे आप महसूस करें। जो कुछ घूम रहा सब आप अपने नाभि पर लाइए। इसमें किसी प्रकार की आवाज या कुछ भी हरकत नहीं करना है। जब आपको लगे कि अब आप घूम नहीं सकते, थक गए हो, इतनी तेजी से घूमे कि आपका शरीर घूमने लगे, अब आप कहीं चल नहीं सकते हो, पूरा चक्कर आ गया, आप जमीन पर गिर पड़े, बैठ जाए। याद रहे, भूल कर कि भी व्यवस्था से ना गिरी। यदि आपका शरीर ढीला हो तो जमीन पर गिरने भी थकते हुए यानी चोट नहीं लगेगी। अगर आपको गिरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
मन का कहना शरीर मान करके सब समय से पहले ना गिरने दें। मतलब कि क्या होता है कि अगर आपको थकान लग रही है तो आप इसे इग्नोर करें, जब तक अपने आप ना गिरे तब तक इसको रोकना नहीं है। जब आप जमीन पर गिर जाए, गिरते ही पेट के बल लेट जाए ताकि खुली हुई नाभि का स्पर्श पृथ्वी से ना हो सके। यदि पेट के बल लेटने में अड़चन होती, दिक्कत है, तो पीठ के बल लेट जाए पर पूरे शरीर के नाभि सहित पृथ्वी पर स्पर्श ना हो दे। आपका पेट पृथ्वी को स्पर्श ना करे। पृथ्वी में एक छोटे बच्चे की भांति चिपक जाए, उन दिनों की अनुभूति को पुनर्जीवित कर ले। तो आपका जो नाभि है उसको पृथ्वी से स्पर्श करने दे। अब पहले थोड़ी देर रुकना, अब पूरा स्पर्श करने दे। अब स्पर्श करने के बाद जब आपको फिर लगे कि आप जैसे अपनी मां से प्यार करते हो वैसे धरती से प्यार करते हुए लेट जाए, आंखें बंद कर ले, शांत शून्य होकर स्थित कम से कम 15 मिनट पड़े रहे। अब नाभि के माध्यम से पृथ्वी से आप एक हो गए। जैसे जिस समय बच्चा मां के गर्भ में होता है नार के माध्यम से उसका पोषण होता, वैसी कल्पना कीजिए पृथ्वी इस परम पिता परमेश्वर के द्वारा आपका पालन पोषण हो रहा है। तो जब इस प्रकार से आप लेटे लेटे ध्यान करोगे तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस विधि में आप परम समाधि तक चले जाओगे। हमें विश्वास है ये दिव्य चर्चा समझ में आई होगी। समझ में नहीं आती, कुछ आप नहीं समझ में आता तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।